नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि श्रीवास्तव। आज मैं आपको बताऊंगा अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में। बेसिकली अफोर्डेबल हाउसिंग है क्या चीज़? दोस्तों, अफोर्डेबल हाउसिंग सभी कंट्रीज़ में चलती है, चाहे वो इंडिया हो चाहे फॉरेन की कोई कंट्री हो। वहाँ की गवर्नमेंट को अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में कुछ ना कुछ करना ही होता है। वो इसलिए करना होता है कि देखिए, सभी लोग फाइनेंशियली ऐसे नहीं होते हैं कि वो मार्केट प्राइस पे प्रॉपर्टी को परचेज़ कर लें। तो प्रॉपर्टी को जो लोग परचेज़ नहीं कर पाएंगे, तो घर का राइट तो उनके पास भी है भाई। अगर किसी कंट्री के नागरिक हैं तो उसका राइट उनके पास है कि उनको एक घर होना चाहिए। तो बेसिकली गवर्नमेंट क्या करती है, अफोर्डेबल हाउसिंग के नाम पे ऐसी प्रॉपर्टी बनाती है या ऐसी प्रॉपर्टी ऐसी स्कीम बनाती है जिसके ज़रिए एक आम आदमी को, जो बेसिकली मिडिल क्लास से निचला तबका है, जो इतने पैसे खर्च नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई सोसाइटी आई और सोसाइटी में फ्लैट है 2 BHK मिनिमम 90 लाख का। अब मुझे बताइए, क्या सभी लोग 90 लाख का फ्लैट ले लेंगे? नहीं ले पाएंगे। सभी लोग 90 लाख का फ्लैट नहीं ले पाएंगे तो सभी लोग रह भी नहीं पाएंगे। तो उसमें गवर्नमेंट की जो स्कीम होती है अफोर्डेबल हाउसिंग की, जो प्राइवेट बिल्डर्स देखिए पैसे खर्च करते हैं, प्रॉपर्टी लग्जरी बनाते हैं, तो लोग लेने वालों की कमी भी नहीं है। मगर मिडिल क्लास से नीचा, जो निचला तबका है, उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब होता क्या है कि मिडिल क्लास से निचले तबके को प्रॉपर्टी चाहिए, उसका भी राइट है कहीं ना कहीं रहने का। उसको अपनी प्रॉपर्टी चाहिए, चाहे सोसाइटी हो चाहे घर हो। प्लॉट मिलना मुश्किल हो गया आज की डेट में। तो क्या करते हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत गवर्नमेंट हमेशा कुछ ना कुछ, जो भी प्रोजेक्ट बनते हैं वहाँ पे फ्लैट निकालते हैं और मौका दिया जाता है पब्लिक को अप्लाई करने का। और बहुत रिजनेबल प्राइस में होता है। 2 BHK फ्लैट मान लीजिए अफोर्डेबल में है, तो तकरीबन गवर्नमेंट की, अगर मैं रेट की बात करूं, लोकेशन एरिया वाइज, ऐसा नहीं है कि मैं सभी का एक जैसा रेट बोल रहा हूं, वो मान के चलें तकरीबन तकरीबन 18 लाख से लेके और 28 लाख रुपये तक के आसपास 2 BHK फ्लैट निकले। डिपेंड करता है सोसाइटी, लोकेशन, हर चीज़, ताकि एक आम पब्लिक उसको ले सके। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा सिग्नेचर ग्लोबल के अफोर्डेबल फ्लैट्स 2 BHK। ये इनके लिफ्ट हैं, ये हम फ्लैट में एंट्री कर रहे हैं। ये 2 BHK फ्लैट है, ये इसका ड्राइंग कम डाइनिंग है। क्योंकि ये अफोर्डेबल है तो इसके किचन वगैरह भी कुछ इस तरीके के ही होते हैं। कुछ ज़्यादा चीज़ें ऐसी नहीं कि बहुत स्पेसियस या बहुत बड़े फ्लैट होंगे, बट 2 BHK अफोर्डेबल। जो इन्होंने 12x18 का इनका ड्राइंग डाइनिंग है, एक बेडरूम है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ 2 BHK फ्लैट। 10x11 का बेडरूम है, सारा UPVC वर्क करा। ये देखिए, हाई राइज सोसाइटी है। ये सेक्टर 103 है, सिग्नेचर ग्लोबल अफोर्डेबल फ्लैट्स। ये दोनों बेडरूम के साथ बालकनी है, कॉमन बालकनी है। ये इसका सेकंड बेडरूम है। सेकंड बेडरूम भी ऑलमोस्ट 12x11 का है। और अच्छी बात यह है कि इसमें 2 फुल साइज बाथरूम है, बट अटैच्ड कोई नहीं है। दोनों ही वॉशरूम्स कॉमन है। एक बालकनी और सेपरेट दे रखी है किचन के साथ। 2 लिफ्टें हैं। एक फ्लोर पे तकरीबन 8 फ्लैट हैं। एक फ्लोर पे 2 लिफ्टें दी गई हैं। सोसाइटी मेंटेन्ड है। ये इसके स्टेयरकेस हैं, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। मेंटेनेंस इसका 2500। 2 BHK अफोर्डेबल। ये इसका इमरजेंसी एग्जिट है, ये नॉर्मल स्टेयरकेस है, ये आप देख पा रहे हैं। सो ओवरऑल फ्लैट ठीक है। सेंटर में ये आप देख सकते हैं, स्केटिंग कोर्ट है, वॉलीबॉल बास्केटबॉल कोर्ट है एंड टेनिस कोर्ट है। ये कमर्शियल बनाया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। ये आपका एक्सप्रेसवे है जो फ्लाईओवर जा रहा है। मैक्सिमम लोग इसमें रहते हैं, तकरीबन 80-90% की पॉपुलेशन इसमें शिफ्ट हो गई है। ये दूसरा फ्लैट है, ये देखिए, वाइड एंगल से दिखा रहा हूँ आपको।
दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे या तो हमें और अच्छा लगेगा। एक्सप्रेसवे पे हम काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए रिजनेबल प्राइस पे चीज़ें ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये इसकी लिफ्ट है, दो लिफ्टें हैं, ग्राउंड प्लस 11 फ्लोर्स। अब हम ग्राउंड पे जाएंगे, लिफ्ट भी मेंटेन्ड है। सो हम ये ग्राउंड फ्लोर पे आ गए हैं। ये बिल्डिंग का नीचे का एरिया है, ग्राउंड फ्लोर पे है, मेंटेन्ड है, अफोर्डेबल ज़रूर है बट सोसाइटी में कोई कमी नहीं है। ये देख पा रहे हैं ग्राउंड प्लस 11 हाई राइज बिल्डिंग विद लिफ्ट। एक बार मैं आपको दिखा दूं, अफोर्डेबल्स में कमर्शियल भी बनाना पड़ता है और इन्होंने बनाया है ये। अब हम सोसाइटी से बाहर निकल रहे हैं, अफोर्डेबल ये जैसा कि मैंने बताया कमर्शियल, और ये ग्राउंड प्लस 11 स्टोरी बिल्डिंग 2 BHK अफोर्डेबल है सिग्नेचर ग्लोबल के। ये हम सोसाइटी से एग्जिट कर रहे हैं।